अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया, यरफ़ाउल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। फरमाया, अल्लाह तुहाडे विचों ओ लोग जिहड़े ईमान लेके आए उन्हां दे दरजात नूं बुलंद फरमाइंदा है। वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, और दूसरी ओ शख्सियात ओ गरोह जिन्हां नूं अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, अल्लाह उन्हां दे दरजात बुलंद फरमाइंदा है। अगे फरमाया, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह तुहाडे हर कम तो खबरदार है, जो कुछ तुसा करदे हो। ए हुई आया मुकद्दसा, इस आयत का ये जिहड़ा हिस्सा है सूरह मुजादला दी, ये आया मुकद्दसा का हिस्सा है। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ताबई बुजुर्ग, चोटी दे इमाम, सूफी बुजुर्ग, अल्लाह दे वली, इल्म दे विच बहुत बड़ा मकाम है आपदा। आप तो मरवी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत के हवाले नाल फरमाते हैं कि लोगो, इस आयत नु पढ़ो, समझो और इल्म दीन हासिल करो। इस आयत नु पढ़ो, समझो और इल्म दीन हासिल करो कि अल्लाह ने एक आम मोमिन और दूसरा आलिम मोमिन, अल्लाह ने आलिम मोमिन दे दरजात नु आम मोमिन तो बुलंद फरमाया है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो शख्सियत जिन दे बारे मेरे आका खुद दुआ फरमान है, मालिक मौला सोने अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास नु कुरान दा इल्म अता फरमा। आप फरमेंदे ने कि उलमा और आम लोग इन्ना दे दरमियान 700 दराजात दा फासला हो सी, यानी आम मोमिनीन आम मुसलमान और उन्ना तो उलमा जड़े ये 700 दराजात बुलंदो बाला हो सन। और फरमेंदन हर दो दर्जा दे दरमियान फासला वो 500 साल मुसाफत दे बराबर है। इतनी शान अल्लाह तबरक व ताला उलमा नु अता फरमे सी। कुरान पाक की दूसरी आया मुकद्दसा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून। फरमाया है हबीब, तुसा फरमा दियो इन्हां नु कि जानन आले इल्म आले और जाहिल ना जानन आले एक कदे बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों की बड़ी शान है, अल्लाह ने बड़े रुतबे अता फरमाए। इत्ते तक के कुरान दे विच अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल-उलमा, के अल्लाह दे बंदियां दे विचों हकीकी माना दे विच अल्लाह तो डरन आले ओ सीने जिहड़े खौफे खुदा दे नाल भरे हुए होंदे ने, अल्लाह दी बारगाह विच गिड़गिड़ावण आले डरन आले ओ उलमा ही है ने, इल्म आले ही है ने। मोहतरम और मोहतशम आशिकान रसूल, इतिन आया मुकद्दसा और भी कई आयात मुकद्दसा ने जिंदे विच अल्लाह ने इल्म आलां दी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। इत्ते तक के फरमाया, फसअलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इत्ते तक फरमाया, कह लोगो अगर तुहानू किसी चीज़ दा इल्म नहीं तुसा उलमा दे कोल गया करो, उलमा दे नेड़े गया करो, इन्हां तू पुछो, इल्म सीखो। जहालत बड़ा बहुत बड़ा अजाब है। इल्मे दीन नाल, कुरान दे इल्म नाल, अहादीस दे इल्म नाल अपने दिलो दिमाग नू रोशन मुनव्वर करो। मोहतरम और मोहतशम आशिकान ने रसूल, जिन्ना दे कोलू जान दा अल्लाह हुक्म फरमावे, फसअलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, उलमा दे कोलू जाओ,
अगर तुहानू पता नहीं इन्हां कोलों सवाल करो, दीनी अपनी जहालतां ख़त्म करो, इल्मे दीन हासिल करो। वह उलमा दी ज़ात है। मोहतरम उलमा आलिम बहुत बड़ा माशरे दे विच मकाम रखता है। मेरे आका अली सलात व सलाम ने कई अहादीस दे विच बयान फरमाया, आलिम दी शान बयान फरमाई, आलिम दी बारगाह दे विच हाजरी दे आदाब अहादीस दे विच बयान किए गए। जिवें मेरे आका अली सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया ना, अकरिमुल उलमा फइन्नहुम वरासतुल अंबिया, फरमाया उलमा की ताजीम कीती करो, तकरीम कीती करो, अदब कीता करो, ये अंबिया दे वारिस ने। इत्ते तक फरमाया गया कि उलमा दुनिया दा सूरज ने, उलमा दीन दा सतून ने। मोहतरम और मोहतशमा शिकंद रसूल प्यारे आका अली सलात व सलाम दी बारगाह दे विच एक दफ़ा दो बंदा दा जिक्र खैर होया, तज़किरा चल रहा, एक आबिद हा ते एक आलिम हा। ते मेरे आका अली सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्हां दोवां दे विचों जिहड़ा आलिम है ना वो फजीलत रखता है आबिद ते, वो अफजल है आबिद तो। और फरमाया आलिम वो है जिंदे उत्ते अल्लाह, उहदे नौरानी फरिश्ते आसमाना दे विच, और अल्लाह दी मखलूक जमीन दे विच। इत्ते तक फरमाया कि चूंटियां कीड़ियां अपने सुराखां दे विच, मछलियां दरियावां दे विच, समंदरां दे विच, उस आलिम वास्ते बख्शिश दी दुआ करदियां ने, आलिम वास्ते बख्शिश दी दुआ करदियां ने। इस तरह की रिवायत भी है कि सारियां मखलूकां अल्लाह तबरक व ताला दियां उस आलिम ते दुरूद भेज दियां ने। क्या बात है मोहतरम और मोहतशम आशिकान रसूल। इत्ते तक आलिम दी इबादत और आम बंदे दी इबादत दे विच भी फर्क है। कंजुल उम्माल दी एक रिवायत है कि आलिम का दो रकात नमाज पढ़ना, किताबुल इल्म दे विच है कंजुल उम्माल शरीफ, आलिम का दो रकात पढ़ना ये गैर आलिम के 70 रकातों से अफजल है। गैर आलिम ने कितनी पढ़ी? 70 रकात, समझ आ रही? और आलिम ने दो पढ़ी। फरमाया आलिम की दो रकात नमाज ये गैर आलिम की 70 रकातों से अफजल है। और फिर हम नमाज पढ़ते हैं, एक आम इमाम है, हाफिज है, कारी है, कुरान है, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, एक आलिम दीन है, आलिम इस्लाम है, बा अमल आलिम दीन है, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ज़मीन व आसमान का सवाब का फ़र्क है, समझ आ रही? तो आलिम आलिम है। फरमाया गया कि ज़मीन में अल्लाह के अमीन उलमा है। फरमाया आलिम ज़मीन में अमीन है अल्लाह का। इसकी क्या, इसका कोई अपना दीन तो थोड़ी है, इसको जो अल्लाह ने अमानत अता फरमाई है, कुरान अता फरमाया है, अहदीस मुबारक तकीबत अता फरमाई है, दीन शरीयत का इल्म अता फरमाया है, ये अमीन है उसमें, आगे इसने पहुंचाना है। मोहतरम और मोहतशम आशिकान रसूल, मेरे आका अली सलात व सलाम दे गुलामों, इल्म दी फजीलत कितनी प्यारी। बाज़ औक़ात साड़ी फैमिलियां विच भी एवें होंदा है, भाइयों के विच भी होंदा है, बरादरी के विच भी होंदा है, अल्लाह तबरक व तआला किसी के नाल रहनुमाई इरादा करता है, भलाई करता है। अच्छा, हर बंदे दे बस की गल नहीं इल्म सीखना, इल्म दीन सीखना नहीं। हदीसे पाक दे विच फरमाया गया जदों अल्लाह किसी नाल भलाई का इरादा करता है ना, उन्हूं अपने दीन दे विच फकाहत अता फरमाता है, दीन की समझ बूझ अता फरमाता है, समझ आ रही? इल्म दीन के दरवाजे उनके वास्ते खुल जाते, बड़ा खुश नसीब है शख्स। लेकिन फिर अगर इल्म दीन मिल जावे, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, जो हासिल करने वाले ने जिन्होंने इल्म दीन हासिल कर लिया, उन्होंने अपने आप के तौर पर इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि मैं फलान दौलत ना मिली, फलान ना मिली, फलान ना मिली, मोटरसाइकिल ना मिला, कार ना मिली, ये ना मिला, वो ना मिला, समझ आ रही? फरमाया गया हदीस पाक, जिसको कुरान का इल्म अता किया गया,
लेकिन उसे ने इसके अलावा भी किसी को अफजल माना या जाना या समझता है तो उसने कुरान के हक को हकीर समझा, कमा हक को कुरान के हक को उसने नहीं समझा।